मॉर्गन हॉजल की बुक साइकोलॉजी ऑफ मनी का ओपनिंग बुक है। इसके बारे में बहुत सारे वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिलेंगे। रोनल्ड रीड, रजत गुप्ता की स्टोरीज मिल जाएंगी। हम इसके बारे में आज डिस्कस नहीं करने वाले हैं, बट हम साइकोलॉजी ऑफ मनी के चैप्टर 12, जिसका नाम है सरप्राइज, हिस्ट्री में सरप्राइजिंग एलिमेंट्स बहुत हुए हैं। इन्वेस्टिंग हिस्ट्री के इन सरप्राइजेस को हमें स्टडी करके वो गलतियाँ अवॉइड करनी चाहिए, पर कुछ लोग उसको फ्यूचर का रोड मैप समझते हैं। एक एग्जांपल से हम इसे समझेंगे। लेसन 1, डू नॉट यूज हिस्ट्री एज फ्यूचर मैप। बेंजामिन ग्राहम की बुक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर सिर्फ थ्योरी ही नहीं, ये बुक प्रैक्टिकल डायरेक्शंस भी देती है। ऑथर जब टीनेजर थे उन्होंने ये बुक पढ़ी थी और इन्वेस्टिंग के बारे में सीखा था। इस बुक में जो फॉर्मूलेज बताए हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, क्योंकि अमीर बनने के लिए इसमें स्टेप बाय स्टेप डायरेक्शंस बताई हुई हैं। बट रियलिटी में जब आप अप्लाई करेंगे तो समझ में आएगा कि इनमें से कुछ काम करते हैं पर कुछ प्रिंसिपल्स आउटडेटेड भी हो चुके हैं। इनफैक्ट जो लोग भी ये बुक पढ़ के इन्वेस्टिंग समझते हैं तो उनको इंस्टेंटली रिच बनना होगा। इन रियलिटी ये बुक पढ़ने वाला हर कोई रिच नहीं बनता है। ऑथर के ओपिनियन में उसने ऐसा कुछ नहीं देखा जो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बुक पढ़ के इंस्टेंटली रिच बन गया। ग्राहम की एक एडवाइस ये थी कि स्टॉक उसने नेटवर्किंग एसेट से कम प्राइस में ट्रेड करने चाहिए। दिस साउंड्स ग्रेट, पर एक्चुअली कम स्टॉक्स ही हैं जो चीप प्राइस में आप ट्रेड कर सकते हो। इसका मतलब ये है कि जब हम थ्योरी से प्रैक्टिकल वर्ल्ड में आएंगे तो थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी। ग्राहम की एक और एडवाइस ये थी कि कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स को ऐसे स्टॉक अवॉइड करने चाहिए जिसकी बुक वैल्यू 1.5 टाइम्स ज़्यादा है। अगर आप ये इंस्ट्रक्शंस फॉलो करेंगे तो आपको सिर्फ इंश्योरेंस और बैंक स्टॉक्स ही मिलेंगे और कुछ स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। ये कैसे होता है? ग्राहम एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर थे, बट उनकी कुछ एडवाइस जो कभी काम नहीं करती थी, वो हमेशा उनकी थ्योरी से स्टिक नहीं रहते थे, हमेशा उनकी थ्योरीज के साथ एक्सपेरिमेंट करते थे। एक बार जेसन ज्वेग ने बताया था कि ग्राहम हमेशा उनकी थ्योरीज के साथ एक्सपेरिमेंट और रीटेस्ट करते थे, क्या अजम्पशंस काम कर रही हैं क्या नहीं। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बहुत बार रिवाइज की गई है। हर एक अपडेटेड बुक में आउटडेटेड फॉर्मूलोज को बुक में से कट किया जाता है और नई थ्योरीज को ऐड किया जाता है। ग्राहम ने 1949 में उनकी बुक रिवाइज की थी नए फॉर्मूलेज के साथ। कुछ साल बाद कुछ फॉर्मूलेज आउटडेटेड हो गए, तो फिर उसको 1954 और 1972 में भी रिवाइज करना पड़ा था। ग्राहम 1976 में एक्सपायर हो गए थे। उन्होंने 5 बार उस बुक को रिवाइज किया था जब वो जिंदा थे। तो आप लोगों को 2021 में उनके फॉर्मूलेस कितने यूजफुल लगेंगे? इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी बुक यूजफुल नहीं है। बहुत सारे यूजफुल विजडम उस बुक में है, पर कुछ फॉर्मूलेस आउटडेटेड हो चुके हैं। शेयर मार्केट में ब्रोकर्स हमेशा एक सेंटेंस बोलते रहते हैं, इट्स डिफरेंट दिस टाइम। आपको किसी भी शेयर में नुकसान होने के बाद आपका ब्रोकर ये बताता है, इस बार कुछ अलग था, नहीं तो बहुत डिफिकल्ट टर्म्स बोल के आपको समझाने की कोशिश करेगा। द मेन मैसेज ऑफ दिस बुक एग्जाम्पल इज दैट कभी भी हिस्ट्री को एक फ्यूचर मैप की तरह यूज नहीं करना चाहिए। हिस्ट्री को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है, पर इट इज ओनली फॉर रेफरेंस, क्योंकि टाइम के साथ बहुत चीजें बदल जाती हैं। की लेसन, स्टॉक मार्केट हिस्ट्री डज नॉट अकाउंट फॉर स्ट्रक्चरल चेंजेस दैट रिलेवेंट टू टुडेज वर्ल्ड। एक इंटरेस्टिंग सेंटेंस जो मैंने इस बुक में पढ़ा था वो यही था, देयर विल ऑलवेज बी ए बिग फिश। अगर आप लोगों को इसका मतलब पता है तो प्लीज कमेंट करके बताइए। आप लोगों की क्रिएटिविटी कमेंट्स में देखना चाहती हूँ। इस वीडियो के सेकेंड पार्ट में इसका मतलब डिटेल में आपको समझाऊंगी। लेसन 2, रूम फॉर एरर्स। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान स्टालिनग्राद की लड़ाई इतिहास की सबसे बड़ी लड़ाई थी। इसके साथ सम्मान रूप से चौंकाने वाली कहानियां सामने आई कि कैसे लोग जोखिम से निपटते हैं। एक किस्सा 1942 के अंत का है, जब जर्मन टैंक यूनिट शहर के बाहर घास के मैदानों में रिजर्व बैठे थे
जब टैंक्स की फ्रंटलाइन पर सख्त जरूरत थी, कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको चौंका दिया। लगभग उनमें से किसी भी टैंक ने काम नहीं किया। यूनिट में 104 टैंक्स में से 20 से भी कम ऑपरेबल थे। इंजीनियर्स को जल्दी से इशू मिल गया। हिस्टोरियन विलियम क्रेग लिखते हैं, फ्रंटलाइंस के पीछे वीक्स तक इनएक्टिविटी के दौरान फील्ड के चूहों ने टैंक्स के अंदर घोंसला बना लिया था और इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स को कवर करने वाला इंसुलेशन को कतर दिया। जर्मन्स के पास दुनिया के सबसे सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट्स थे, फिर भी कुछ चूहों द्वारा पराजित हुए थे। आप उनके डिबिलीफ की कल्पना कर सकते हैं, या निश्चित रूप से कभी उनके दिमाग में नहीं आया होगा। चूहों से प्रोटेक्शन के बारे में किसी तरह के टैंक डिजाइनर ने नहीं सोचा होगा, और टैंक इतिहास की स्टडी करने वाले किसी ने भी नहीं। लेकिन इस तरह की बातें हर समय होती हैं। आप हर रिस्क के लिए प्लानिंग कर सकते हैं, सिर्फ उन चीज़ों को छोड़कर जो कि आपके दिमाग में आने के लिए बहुत क्रेजी हैं। यही क्रेजी चीज़ें सबसे ज़्यादा हार्म करती हैं, क्योंकि ये चीज़ें हमारी सोच से ज़्यादा बड़ी हैं और इन सब से निपटने के लिए हमारे पास कोई प्लान भी नहीं होता। हमेशा आपका प्लान परफेक्टली नहीं जाएगा, एक्सेप्ट सम इश्यूज। माइक्रोसॉफ्ट की स्टार्टिंग स्टेजेस में बिल गेट्स ने इस प्लान को यूज़ किया था। उनको मालूम था कि पहले एक साल में कुछ भी बिजनेस नहीं होने वाला है और उनको कुछ रेवेन्यू भी नहीं मिलेगा। उन्होंने अपने बैंक अकाउंट में बहुत ज़्यादा अमाउंट डिपॉजिट करवाए ताकि उस मनी से वो अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी दे सके। कुछ जगह पर इन्वेस्टर्स को रूम फॉर एरर्स के बारे में सोचना होगा। मार्केट बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। अगर आपके एसेट्स 30% डिक्लाइन हो गए तो क्या आप सर्वाइव कर सकते हैं क्या? आपका कॉन्फिडेंस कम होगा क्या? अगर आपके पास इनफ बैकअप फंड्स नहीं हैं तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना खतरनाक भी हो सकता है। Lesson 3, वेल्थ इज नॉट स्पेंडिंग, इट इज सेविंग। सिंगर रिहाना ओवरस्पेंडिंग की वजह से ऑलमोस्ट बैंकक्रप्ट हो चुकी थी और उन्होंने अपने फाइनेंशियल एडवाइजर पे ही मुकदमा कर दिया था। फाइनेंशियल एडवाइजर ने जवाब देते हुए कहा, क्या उसे ये बताना सच में जरूरी है कि अगर आप चीजों पे पैसे खर्च करोगे तो अंत में आपके पास वो चीजें बचेंगी, पैसे नहीं। आप हंस सकते हैं और हंसिए भी, पर जवाब है हाँ, लोगों को ये बताने की जरूरत है। जब ज्यादातर लोग ये कहते हैं कि उन्हें मिलियनेयर बनना है, तब उनका असल मतलब होता है कि मुझे $1 million खर्च करने में मजा आएगा, जो कि इसके लिटरल मीनिंग से पूरी तरह अपोजिट है।